गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला और 2 व्यक्ति शामिल हैं। एएसपी केशव कुमार ने बताया कि तीनों आरोपी दिल्ली एनसीआर क्षेत्रों में से बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। वहीं आरोपियों ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि इन्होंने पिछले 20 सालों में लगभग 50 वाहन चोरी किए हैं। इंदिरापुरम थाने के नीतिखंड चौकी क्षेत्र में कल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जो बहुत ही शातिर दोपहिया वाहन चोर हैं, जो एनसीआर एरिया में स्पेशली दोपहिया वाहनों को अपना टारगेट बनाते हैं रेकी करके। इनका नाम शमशेर खान, निखिल और काजल हैं, जो मूलतः मोदी नगर के रहने वाले हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी इस तरह का है कि ये जो शमशेर और काजल हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं, ये पहले किसी बाइक के सामने खड़े होते हैं इस तरह से कि आड़ का रूप ले लेते हैं, और जो ये निखिल नाम का व्यक्ति है, ये आके अपने जो मशीनरी है उसके माध्यम से लॉक तोड़ता है, और शमशेर और काजल उस पर फिर बाइक चला के जाते हैं ताकि पुलिस को शक न हो एक महिला के प्रेजेंस होने के कारण। इन्होंने पूछताछ पे ये बताया है कि लगभग 35 से 40 2-व्हीलर और स्कूटी इन्होंने इससे पहले चोरी किए हैं, जिसको ये निखिल के पास बेचते थे और वो अपना कटवा के या आगे इस तरह से उपयोग में लाता था। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा जा रहा है। तो ये कैसे प्रकाश में आया कि ये चोरी क्या करते थे और कहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई? पुलिस लगातार शाम के समय में चेकिंग करती है, और उसी चेकिंग के दौरान इन पे ऐसा लगा कि संदेहास्पद रूप से दिखे, उसी चेकिंग के दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई। कहाँ से गिरफ्तारी? नीतिखंड चौकी क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई। कहाँ से गिरफ्तारी? नीतिखंड चौकी क्षेत्र से।